हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ श्री एकेडमी। हेलो गाइस, हेलो पूनम, गुड इवनिंग सुमन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरोज। गाइस एक बार बताइए कि आपको जो है मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, पिक्चर क्लियर है या नहीं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग सपना। तो एक बार मुझे बताइए कि आपको मेरी जो आवाज़ है वो सही आ रही है, नहीं आ रही है, पिक्चर क्लियर है या नहीं है, ताकि मैं क्लास को शुरू कर सकूं। गुड इवनिंग संतोष, गुड इवनिंग। तो गाइस बताइए फटाफट से आप मुझे कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सही से। गुड इवनिंग कविता, गुड इवनिंग संतोष। ओके, क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर। तो हम अपना क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम मॉडर्न जो टाइम पीरियड है, मॉडर्निज्म है, उसको करेंगे आज। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके सपना, एवरीथिंग इज ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज देयर बीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन साइंस। तो वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आए हैं साइंस में, जो है चेंज नहीं सॉरी, जिसमें जो है इंक्रीजमेंट हुआ है साइंस के अंदर, तो वो कौन सा टाइम पीरियड है। बिल्कुल शुरू हो गई है, शुरू हो गई सरोज, क्लास शुरू हो गई है। तो वो कौन सी जो है टाइम पीरियड है जिसके अंदर जो है साइंस में ट्रिमेंडस इंक्रीज आया है। तो डिजिटेक के नाम से है जिनका, डिजिटल टेक्नोलॉजी कुछ ऐसा है इनका। तो उन्होंने कहा कि रोमांटिक पीरियड है पहले, विक्टोरियन पीरियड, मॉडर्न पीरियड और कंटेम्प्रेरी पीरियड। गाइस मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, ये जो सीरीज मैंने बनाई है पूरी, जो है मॉडर्न पीरियड और कंटेम्प्रेरी का मिक्सचर किया है इसके अंदर मैंने, क्योंकि मैं मंडे को, नेक्स्ट जो मंडे आएगा हमारा, उसको मैं अमेरिकन लिटरेचर लूंगी, तो मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। तो ये कहा कि बहुत ज़्यादा जो है एक ट्रेमेंडस, शुरुआत नहीं कह रहा गाइस, ये ट्रेमेंडस जो चेंज आया है वो किसके अंदर आया है। तो पूनम का, कविता, संतोष सभी ने जो है सी आंसर दिया है। तो इसका आंसर जो है गाइस डी है, कंटेम्प्रेरी पीरियड। मॉडर्निज्म में शुरुआत हो जाती है और जो है कंटेम्प्रेरी पीरियड में यहाँ पे आया, ट्रेमेंडस बोला है, ट्रेमेंडस का मतलब है कि बहुत बड़े लेवल पे जिसको कहते हैं, तो वो कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर आया है। तो मैंने इसमें दोनों का ये मत सोचना कि भाई मॉडर्न टाइम पीरियड है उसका, मॉडर्निज्म को कर रहे हैं तो हम मॉडर्न ईरा को ही लेंगे खाली, तो कंटेम्प्रेरी ईरा भी इसमें आ जाएगा। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लीडर ऑफ द ग्रुप निक नेम्ड, मतलब इसमें जो वो ग्रुप का जो लीडर है उसका नाम बताना है आपको, जिनका जो है निकनेम ये है मैक्स पाउंडे, ये जो है निकनेम है इनका। तो इनके जो है इस ग्रुप के लीडर का क्या नाम है। गुड इवनिंग नविता, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संदीप। हरियाणा जीके की, हरियाणा जीके की क्या पूनम, हरियाणा जीके की क्यों चाहते हो कि दो हो, दो क्लासेस हो। चलिए आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। कविता ने सेकंड का ए दिया है, सरोज का भी ए है और डिजिटेक से है उनका भी सेकंड का ए है। सरोज ने ओडन बोला, नवेता का भी ने सेकंड का सी दिया है, सुमन बाला का जो है ए है सेकंड का। तो गाइस इनमें ये है कि ये चार राइटर ऐसे हैं, चार ये पांच का ग्रुप है, तो इसके अंदर जो है वो कौन से है। तो ये सारे नाम यही हैं जो ये सामने लिखे हैं, चारों के चारों नेम ये यही हैं। तो इनका जो है गाइस, सरोज आप बोल रहे हो कि एग्जाम कब तक होगा, होना चाहिए था ये, यानी कि आपका जो है, नमस्ते दिनेश, ये जून से पहले पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट, मतलब ये कह नहीं रहे कि फॉर्म ना तो रीएड किया अभी इन्होंने, तो जून से पहले होना चाहिए था ये पेपर तो आपका। तो सेकंड का जो आंसर है जो आपने दिया है, सबके आपके मोस्टली के आंसर आ चुके हैं,
लेकिन ये है सरोज की, ये मैं मानती हूँ सभी को कह रही हूँ मैं ये बात, ये बिल्कुल मुश्किल है कि बिना एम जो है, अगर आपके पास टारगेट नहीं है और उस टाइम पे अगर आप स्टडी करें तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट विदाउट टारगेट व्हेन यू स्टडी। तो बिल्कुल मुश्किल है कि बिना टारगेट के स्टडी करना, लेकिन गाइस हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब भी ये टाइम देंगे एकदम करेंगे पेपर और एक डेढ़ महीने में सब कुछ करवा देंगे, तो उस टाइम पे ये है कि आप प्रिपेयर्ड रहिए और वो कोई और हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, प्रिपरेशन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, और बाद में अगर नहीं तैयारी की तो फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं है। गुड इवनिंग किरण, वेरी गुड इवनिंग। अंशु ने दिया है जी ई बोला है, ओके गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंशु। ओके ऑक्सफोर्ड ग्रुप बोला, बिल्कुल ठीक है, ये पूनम शर्मा ने कहा, ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप है, तो इनके जो है लीडर का नाम बताना आपको, WH ओडन है गाइस, इनके जो ग्रुप का जो लीडर है वो ओडन है, और बाकी ये सारे जितने नाम लिखे हैं सभी का है, जैसे मैक का जो है यहाँ पे मैकनिस लिखा हुआ है तो इस ये नाम है, और स्पेंड लिखा हुआ तो स्पेंडर है इसके अंदर, और ओडन की आदि ये स्पेलिंग आ गई है, ओडे सिसलीडे का जो है ये है, तो ये चारों नाम है और ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप के हैं। चलिए आगे है, द रूम द डम वेटर एंड द बर्थडे पार्टी आर द फर्स्ट थ्री प्लेस, ये इसमें से किसके जो फर्स्ट थ्री प्लेस हैं जितने भी लिखे हैं, तो सर हैरोल्ड पिंटर, जॉन ऑर्डन, अर्नोल्ड वेस्कर, जो ओर्टन, तो जो है रूम द डम वेटर द बर्थडे पार्टी ये जो है, तो दिनेश ने थर्ड का ए दिया है, डिजिटेक थर्ड ए, सुमन का भी थर्ड का ए है, कविता का थर्ड का ए, नवेता का भी ए है, और जो है किरण ने थर्ड का ए दिया, तो बिल्कुल ठीक है गाइस, आपको जो है हैरोल्ड पिंटर है ये जो है, ये बर्थडे पार्टी इनका बड़ा फेमस है और नेट में तो कोई का तो ये फेवरेट है कि बर्थडे पार्टी में से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं ये। और हंस के बता रहे सरोज, और आपका हुआ नहीं और आप मुझे हंस के बता रहे हो ये बात। ये भी अच्छा है, फेलियर को हंस के लेना ये भी बहुत बड़ी बात है। दिनेश ने फोर्थ का ये दिया, फोर्थ नहीं है अभी दिनेश, हम थर्ड पे हैं। सचिन, गुड इवनिंग सचिन, गुड इवनिंग प्रशांत, वेरी गुड इवनिंग। तो अब जो है हम अपना क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल पार्ट है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात बोली आपने सरोज, फेलियर और जो सक्सेस लाइफ का पार्ट है ये बिल्कुल सही है कहा आपने। तो हम जो है थर्ड पे ही थे अभी और अब हम जो है फोर्थ लेते हैं, तो इनका जो बर्थडे पार्टी है ये बड़ा फेमस है और इनको जो है ये कौन से इनकी इनका जो है ये जो है एब्सर्ड थिएटर से जुड़े हुए हैं। नमस्ते नीरज, तो एब्सर्ड थिएटर के राइटर हैं ये, और बर्थडे पार्टी आपने पढ़ा होगा तो पता भी होगा किस तरह का ये जो है इनका वर्क है। नेक्स्ट है इरविंग वर्डल कोज द वर्क ऑफ पिंटर, जो इरविंग वर्डल है उन्होंने पिंटर के वर्क को क्या बोला है, कॉमेडी ऑफ वर्ड्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मिनेंस, कॉमेडी ऑफ स्ट्राइफ एंड स्ट्रगल। तो अब आप जो फोर्थ का आंसर दे सकते हो, कविता ने फोर्थ का सी दिया है, हाँ बिल्कुल सरोज क्यों नहीं बताएंगे, जरूर बताऊंगी। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हो, हरियाणा से नहीं हो क्या आप, आपका नेट क्वालिफाई है सरोज। किरण ने फोर्थ का सी दिया है, डिजिटेक के नाम से है उनका भी जो फोर्थ का सी है, सरोज ने कॉमेडी ऑफ मिनेंस बोला है, कुरुक्षेत्र से हो तो आपको पता ही हो चल जाएगा, वैसे ही आपका नेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई हो आप तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो पीछे भी निकले थे तब नहीं आपने ट्राई किया या बाद में हुआ है। चलिए तो इरविंग जो वार्डल है इनका जो वर्क है इसकी बात करें तो कॉमेडी ऑफ मिनेंस और एब्सर्ड थिएटर और कॉमेडी ऑफ मिनेंस एक ही बात है गाइस, यानी एब्सर्ड एब्सर्डिटी जिसके अंदर होती है वही मिनेंस होता है, तो बिल्कुल ठीक है आपका ये। और जो है नेक्स्ट है फिफ्थ है, द मोस्ट फेमस ऑफ बकेट्स वर्क हैव बीन हिज मिस्टीरियस बट हाईली इनोवेटिव ड्रामा नेम द ड्रामा, ये कह रहा है कि जो
वर्क है, बैकेट का जो वर्क है। ओके चलो कोई बात नहीं, आपने पूरा फोकस जो है आपकी बार नेट पे लगाया होगा, इसलिए आपका जो है गेट रह गया, तो अगली बार हो जाएगा, गेट खुल जाएगा अगली बार। द मोस्ट फेमस बकेट्स वर्क, तो ये बकेट का वर्क जो है आपको बताना, इसमें मिस्टीरियस है बट हाईली इनोवेटिव ड्रामा है ये, तो वो कौन सा है। तो फिफ्थ का जो है दिनेश का सी है, किरण का सी, अंजू का जो है फिफ्थ का सी है, नीरज का भी सी है, सपना का जो है सी है, डिजिटेक से नाम से है, फिफ्थ का सी है। देखो गाइस, अगर आप सरोज दोबारा भी दे दोगे ना, तब भी जानने के लिए बहुत कुछ रह जाएगा, क्योंकि ये नॉलेज है और ये लिटरेचर वैसे तो किसी सब्जेक्ट में ही देखो आप, कितना ही पढ़ लीजिए वही कम है। गुड इवनिंग राज, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पे जो फेमस वर्क है बैकेट का, वो जो है वेटिंग फॉर गोडोट है, वेटिंग फॉर गोडोट है, सभी का मेरे ख्याल से यही आंसर था, तो बिल्कुल राइट है आप लोगों का आंसर। द प्ले रोजनक्रेंट्स एंड गाइल्डरस्टन आर डेड, ये वर्क का नाम है, वॉज रिटन बाय, तो किसने लिखा है ये, हैरोल्ड पिंटर ने, टॉम स्टॉपार्ड ने, अर्नोल्ड वेस्कर और जो ओर्टन ने। तो सिक्स क्वेश्चन पे हैं गाइस, अब हम आप सिक्स क्वेश्चन को हैंडल कीजिए। ओके ओके ज्योति हैं आप, ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे हैं हम। कविता का ने सिक्स का बी दिया है, और नविता जो है सिक्स का बी दे रही है, सुमन का सिक्स का बी है, किरण का सिक्स का बी है, अंजू का सिक्स का बी है। तो गाइस ये जो है सिक्स का बी ही है, बिल्कुल ठीक है। टॉम स्टॉपर्ड है, ये जो है इनका वर्क है रोजनक्रेंट्स एंड गाइल्डरस्टन। वैसे तो जिन्होंने देखो आंसर दिया उनको पता भी होगा और पता होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इस वर्क का नाम पता है तो ये जो है किस वर्क में पहले आ चुके हैं। एक्चुअल में ये जो है कैरेक्टर्स हैं दो, और ये जो है किस प्ले में थे ये बता दीजिए, उसी प्ले के ऊपर जो है फिर वहां से कैरेक्टर उठा के इन्होंने ये वर्क का नाम दिया है। तो अंजू, ज्योति, महिमा, राज, सबका जो है क्या बात, राज ने सिक्स का डी दिया, जो ओटन, क्या बात राज, रिवाइज नहीं किया। और जो है ज्योति ने हेमलेट बोला है, तो बिल्कुल ठीक है, सरोज ने भी हेमलेट बोला है। तो शेक्सपियर का जो प्ले है हेमलेट, उसके अंदर ये दो कैरेक्टर हैं रोजनक्रेंट्स और गाइल्डरस्टन, और उन्हीं के ऊपर जो है इन्होंने लिखा है, ये जो है उन्हीं से रेफरेंस लेके ये वर्क लिखा है, और ये भी एब्सर्ड थिएटर के अंदर ही आता गाइस। व्हाट इज द रियल नेम ऑफ जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल का जो है नेम बताना आपको, जो रियल नेम है वो बताना है। तो सरोज का आया है एरिक ब्लेयर है, ज्योति ने सेवंथ का ए दिया है, किरण का भी ए है, महिमा का जो है ए है, नवेता का भी ए है, तो बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। जॉर्ज ऑरवेल जो है इनका जो रियल, ये इनका पेन नेम है, और पेन नेम क्या होता है गाइस, मतलब कि जो राइटर लोग यूज करते हैं लिखने के लिए, कोई बात नहीं। तो एरिक ब्लेयर मैंने सिर्फ इसलिए बोला, कहीं सच में ही आपका आंसर हो, टाइपिंग की मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं। बाकी सबके जो है अंजू का, पूनम का, सभी का जो है सेवंथ का ए आया है, तो ठीक है बिल्कुल, मतलब सिंपल क्वेश्चन था, मैंने इसलिए बोला राज, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई क्राइम थोड़ी ना हुआ है। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल, विच नोवल हैज दीज लाइंस, विच नोवल हैज दीज लाइंस बीन टेकन फ्रॉम, तो ये जो है लाइनें जो है किस वाक से हैं जो आपके सामने लिखी हुई हैं। ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल, द कैशल, ओल्ड मैन एंड द सी, और आपका एनिमल फार्म, द प्लेग।
तो 8th क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल। सरोज जो मुझे आप बता रहे हो वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। काशल, ओल्ड मैन एंड द सी, एनिमल फार्म द प्लेग, और जो है ज्योति ने 8 का सी दिया है, किरण का 8 का सी है, सरोज ने एनिमल फार्म बोला है, अंजू 8 का सी। ठीक है, ठीक है राज, बच्चों को भी काम पे लगा रखा है। नवेता का जो है 8 का सी है, महिमा ने भी एनिमल फार्म बोला है, नीरज का जो है सी है, पूनम शर्मा ने दोनों नाम ले दिया एनिमल फार्म एंड 1984, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। या तो एनिमल फार्म में से होगा ना, या जो है 1984 में से होगा, तो ये एनिमल फार्म में से है गाइस। आप में से कोई मुझे इसका टाइम पीरियड बता सकता है एनिमल फार्म? वैसे कोई जरूरी नहीं है कि सबको याद रहे, मैंने वैसे ही पूछा है कि जो है आपको किस इसका नाम पता हो, नाम सबको पता क्योंकि बड़ा फेमस है ये एनिमल फार्म, तो आप जो है इसका टाइम पीरियड किसी को पता है तो बताइए। नाइन्थ क्वेश्चन को बाद में हैंडल करेंगे किरण, पहले मैंने आप लोगों से जो है 8th का आपसे डेट पूछी है, तो किसी को इसकी डेट पता, वो कोई जरूरी नहीं है गाइस कि आपको डेट पता हो, लेकिन क्या है कि बड़ा फेमस है तो इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे ये, और क्योंकि आपने 1984 भी बोला है तो इसलिए वो प्ले का नाम दूसरे का भी आया है नॉवल का, तो इसलिए मैंने इसका पूछ लिया। तब तक मैं जो है 9th क्वेश्चन लेती हूँ। महिमा ने 1929 बोला है, आइडेंटिफाई द एंग्री यंग मैन ऑफ द 1950s इन द फॉलोइंग, इसमें इनमें जो है एंग्री यंग मैन के ग्रुप में से कौन है, तो महिमा ने उनका टाइम पीरियड बताया है 1929 और ज्योति 1951, किरण को पता नहीं है, सरोज ने अभी बोला नहीं है, तो बताइए आप। अरे पूरी कहानी बता दी, कहानी नहीं पूछ रही सरोज, मैंने टाइम पीरियड पूछा है इसका। प्रशांत ने 8 का सी दिया है। 9th क्वेश्चन को हैंडल कीजिए। आइडेंटिफाई द एंग्री यंग मैन, जॉन ऑस्बोर्न का ही पता आपको। देखो अच्छा इतना बुरा हाल है, और वैसे नेट क्लियर कर दिया सरोज, क्या बात। इसका जो टाइम पीरियड है 1945 है, आई थिंक सो कि ये 1945 है इसका टाइम पीरियड एनिमल फार्म का, और 1984 का जो है 1949 है। तो ये 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन कौन है। देखो गाइस एंग्री यंग मैन, जैसे नवेता ने बोला कि उनको तो जॉन ऑस्बोर्न का ही पता, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो आपको एक और है, किचन सिंक ड्रामा सुना होगा आपने, आपने किचन सिंक ड्रामा सुना होगा, तो जो किचन सिंक ड्रामा के राइटर हैं वही एंग्री यंग मैन जो है ग्रुप के राइटर हैं, यानी एंग्री यंग मैन और किचन सिंक ड्रामेटिस्ट एक ही बात है, तो इसमें वो कौन से हैं वो बताना है आपको। तो बाकी आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, ज्योति ने 9th का बी दिया है, महिमा का ए है, हरीश का जो है डी है, अंजू ने टाइम पीरियड बोला है, और नीरज का जो है 9 का सी, सुमन का जो है 9 का ए है, और राज ने 9 का ए दिया है। तो गाइस ये जो है जॉन ब्रेन, ये सी आएगा इसका आंसर, सी है इसका, एंग्री यंग मैन और किचन सिंक ड्रामेटिस्ट ये हैं।
ठीक है, तो जॉन ब्रेन जो है ये राइटर हैं जो किचन सिंक ड्रामा से रिलेटेड हैं और उन्हीं को एंग्री यंग मैन बोला जाता है गाइस। 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हु रोट ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग इन 1940 के अंदर ये वर्क लिखा है। हु रोट ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग डॉग इन 1940। तो इसमें से जो है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन का जो है राइटर क्या है, क्रिस्टोफर इस्टरवुड, सी डी लुइस, जेम बैरी, डिलन थॉमस। एक तो इसमें वेस्कर का नाम आता है, जैसे ऊपर था एक क्वेश्चन था नवेदा, जैसे यहां था एक वेस्कर, दो तीन बार क्वेश्चन में आया, जैसे अर्नोल्ड वेस्कर है 6th क्वेश्चन के अंदर, तो एक तो अर्नोल्ड वेस्कर है इसके अंदर। सबसे बड़ा नाम तो जो है किचन सिंक ड्रामेटिस्ट में जॉन वेस्कर, अर्नोल्ड वेस्कर का नाम आता है। और ये जो है 5-6 राइटर हैं, जैसे इसमें जॉन ब्रेन आ गया है, जितने भी आपके नोट्स में मिलेंगे आप किचन जो एंग्री यंग मैन के ग्रुप से बनाए हुए हैं वो सारे जो है इसके अंदर आते हैं, और वेस्कर का नाम जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ सरोज, वही है जो किचन सिंक ड्रामेटिस्ट, वही होते हैं जो हमारी जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में, डोमेस्टिक की बजाय आप ये कह सकते हो जो छोटे छोटे इश्यूज पे लिखते हैं। जैसे डोमेस्टिक में तो एक ये भी होता है ना कि जो एक सीरियस इश्यूज होते हैं, जैसे सीरियस इश्यूज की बात करें आप तो कि भाई डाइवर्स का हो गया या फिर जो है मैरिज का हो गया, तो ये बहुत बड़े इश्यूज होता हो जाते हैं, लेकिन वो इनके ऊपर नहीं लिखते हैं। जैसे कि लोअर जो मिडिल क्लास है उनकी जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता है उसके बारे में लिखते हैं। और इनको किचन सिंक ड्रामेटिस्ट इसलिए बोला जाता है गाइस क्योंकि ये जब ड्रामा लिखते हैं ना तो वो पूरा एक एक चीज का रेफरेंस देते हैं, कौन सब्जी काट रहा है, मतलब एक मिडिल क्लास के अंदर जो जो चीजें दिखाई जाती हैं वो सारी उनके ऊपर बात करते हैं ये अपने प्ले के अंदर। सूप बना रहे हैं या फिर जो है मतलब कि कोई नहा रहा है, कोई जो है पानी है कहीं पे, तो नॉर्मल जो चीजें हमारे घरों में होती है एक मिडिल क्लास जो फैमिली में या लोअर मिडिल क्लास में होता है वो सब दिखाया जाता है। गुड इवनिंग सुमित, वेरी गुड इवनिंग। कैंडिडा तो नहीं कह सकते गाइस, कैंडिडा को जो है इसका एग्जांपल नहीं कहा जा सकता क्योंकि कैंडिडा एक अलग इश्यू है। कैंडिडा के अंदर जो चल रहा है वो साइकोलॉजिकल ज्यादा है कि और एक जो है सेफ्टी का इश्यू ज्यादा है उसके अंदर, तो वो कैंडिडा इसके अंदर नहीं आएगा। तो जो आप लोगों का 10th का जो क्वेश्चन है वो डिलन थॉमस ये है। जैसे वेस्कर का जो है, जैसे मैंने अर्नोल्ड वेस्कर का नाम लिया है तो उसके अंदर जैसे यहां मैंने 6th क्वेश्चन में बताया उसको, 6th क्वेश्चन के अंदर जो है अर्नोल्ड वेस्कर का एक वर्क है रूट। रूट ये आपने पढ़ा हो तो ये कंप्लीट एग्जाम्पल है किचन सिंक ड्रामा के ऊपर। इनके जो वर्क के नाम इस तरह के भी हैं, जैसे सूप है, चिकन सूप है, बार्ले सूप है, इस टाइप के नाम हैं इनके। तो बिल्कुल जो है नहीं है उसमें, होना तो चाहिए नवेता। तो ये ले लो, चलो ये अर्नोल्ड वेस्कर है। अगर किचन सिंक ड्रामा की तरफ से बात करें गाइस तो अर्नोल्ड वेस्कर जो है बहुत मतलब सबसे बड़ा नाम जो है, जैसे अगर आप जो है ना मतलब एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा एंग्री यंग मैन के नाम से तो वहां मिलता है जॉन ऑस्बोर्न का, फिर तो वो उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं। और किचन सिंक ड्रामा की बात करते हैं तो अर्नोल्ड वेस्कर को आगे रखेंगे। तो अर्नोल्ड वेस्कर का जो है ना रूट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके हिसाब से। तो ये ठीक है, 10th हो गया आपका। अब 11 पे आ जाते हैं, इन विच नॉवल डज म्यूरियल स्पार्क नैरेट द स्टोरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्कूल एडिनबर्ग ओवर ग्रुप ऑफ स्कूल गर्ल्स। इन्फ्लुएंस ऑफ ए स्कूल टीचर इन एडिनबर्ग ओवर अ ग्रुप ऑफ स्कूल गर्ल्स, मतलब ये है म्यूरियल स्पार्क है जो नॉन वेजिटेरियन वो क्या करेंगे, तो वो तो इस तरह का खाते हैं। हाँ बिल्कुल इंक्लूड है, देखो ये गाइस मैंने अभी बोला कविता कि
यही किचन सिंक ड्रामेटिस्ट हैं और यही एंग्री यंग मैन है, क्योंकि एंग्री यंग मैन ग्रुप भी क्या करता है कि जो मिडिल क्लास है उनके इश्यूज को उठाता है, और ये भी जो है उन्हीं के इश्यूज को उठाते हैं, तो ये जो है उधर भी नाम है इधर भी नाम है, दोनों है। लेकिन जब हम किचन सिंक ड्रामेटिस्ट की बात करते हैं तो जो अर्नोल्ड वेस्कर है उसका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है, और जब हम एंग्री यंग मैन की बात करते हैं तो जॉन ऑस्बर्न का नाम जो है ज्यादा लिया जाता है। बाकी ये लिखने का स्टाइल एक ही है, यही उधर है यही इधर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच नॉवल डज म्यूरियल स्पार्क नैरेट द स्टोरी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्कूल टीचर एडिनबर्ग ओवर अ ग्रुप ऑफ स्कूल गर्ल्स। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसमें से वो कौन सा वर्क है म्यूरियल स्पार्क ने लिखा है जिसमें एक स्कूल टीचर का जो है उस जो उसकी क्लास की जो गर्ल्स हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस दिखाया गया है, वो कौन सा नॉवल है? द पब्लिक इमेज, लोटरिंग विद इंटेंट, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्राउडी, द गर्ल्स ऑफ सिलेंडर मींस। तो इसमें वो कौन सा है ये बताना है आपको। नीरज ने 11 का जो है ए दिया है, ज्योति ने भी जो है ए, अंजू का भी ए है, सरोज का सी है, मंजू, हेलो मंजू, अरे सरोज आंसर दे रहे हो और कह रहे नो आइडिया, आपने सी बोला। राज का जो है 11 का ए है, किरण ने 11 का ए बोला है। चलिए, तो अभी तक आपने किसी ने मतलब कि चलो मैं बताती हूं इसका, इसका सी आंसर है गाइस, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्राउडी, ये जो है ये है इसका आंसर, द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्राउडी। तो ये म्यूरियल स्पार्क का है जिसके अंदर जो है क्या होती है, गाइज इसके अंदर जो मिस जीन ब्राउडी है वो टीचर है, और इसके अंदर एक लड़की होती है सैंडी नाम से, वो जो है मतलब वैसे तो बहुत सारी लड़कियां हैं, पूरी गर्ल्स का स्कूल है वो, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन सैंडी जो है एक प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है। तो उसके अंदर जो है क्या है कि ये जो टीचर है वो इन्फ्लुएंस करती है अपनी सारी गर्ल्स को, एक किस्म से ये इस तरह की इसको बड़ा प्राइड है टीचर को अपने ऊपर कि मैं जिसको चाहूँ वैसा बना दूँ। तो ये जो है अपनी स्टूडेंट के ऊपर जो अपना इन्फ्लुएंस छोड़ती है, और उसको लगता है कि जैसा जिनको मैं जैसा बना रही हूँ वैसा ही बन रहा हूँ, काफ़ी हद तक बन भी रही हैं वो लड़कियाँ। लेकिन जो सैंडी है वो एक ऐसी लड़की है, ये टीचर को लगता है कि ये मेरी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से इसको फॉलो कर रही है, लेकिन यही जो है इसके अगेंस्ट चलती है। तो ऐसी कोई स्टोरी है इसके अंदर, और ये बात जो है तब पता चलती है, एक्चुअल में ये सारी लड़कियां जो है गाइस 11 से लेके 15 साल तक की हैं, ये लड़कियां मतलब टीनेजर हैं ये लड़कियां, और जब ये सैंडी जो है यंग एज में बड़ी पहुंच जाती है, और जीन ब्राउडी मतलब कोई इंसिडेंट होता है और उसके पीछे वो सैंडी होती है, लेकिन क्योंकि टीचर जो है बहुत ज़्यादा सैंडी पे बिलीव करती थी तो वो सोच नहीं सकती कि ये मेरी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट भी जा सकती है, उसको लगता है कि ये तो परफेक्ट एग्जांपल है और वही नहीं होती है। तो जीन ब्राउडी जब बूढ़ी हो जाती है और सैंडी जो है यंग हो जाती है, तब जाके इसको पता चलता है कि मेरी आइडियोलॉजी कंप्लीट फेल थी वहां पे। तो ऐसे कोई स्टोरी है इसके अंदर। विच नॉवल ऑफ विलियम गोल्डिंग रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द पोस्ट वॉर एंड पोस्ट हिटलर ईयर्स एंड शोज पेसिमिस्टिक विजन ऑफ ह्यूमन नेचर नेचर एंड एपिटोमाइजिस मिड 20th सेंचुरी डिसइल्यूजमेंट विद 19th सेंचुरी ऑप्टिमिज्म। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन सही दिखाई दे गया होगा। विच नॉवल ऑफ विलियम गोल्डिंग रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द पोस्ट वॉर एंड पोस्ट हिटलर, मतलब वो कौन सा इसमें वर्क है जिसके अंदर जो है पोस्ट वॉर और पोस्ट हिटलर की जो है एक मतलब एक पैसिमिज्म को शो किया गया, ह्यूमन नेचर का पैसिमिस्टिक शो किया गया है, और 20th सेंचुरी का डिसइल्यूजमेंट दिखा, और 19th सेंचुरी के अंदर जो ऑप्टिमिज्म का डिसइल्यूजमेंट था उसको जो है 20th सेंचुरी के अंदर दिखाया गया। ये गाइस देखो नॉर्मली आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन की फॉर्म ऐसी दे रखी है। तो बाकी आपके आंसर आए हैं, पूनम शर्मा ने ए दिया है, मंजू का जो है 12 का ए है,
किरण का भी 12 का ए, सरोज ने ए, और ज्योति का भी जो है 12 का ए है, नीरज का जो है 12 का ए है, राज ने 12 का ए दिया, नवेता का भी ए है। तो बिल्कुल है, इसमें ह्यूमन नेचर का पेसिमिज्म शो किया गया है। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है गाइस, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। सुमन का, प्रशांत का, सभी का जो है आंसर जो है 12 का, प्रशांत अभी 11 पे हैं, और ये जो है सभी का ठीक है। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये है। एक्चुअल में ये गाइस ये पेसिमिज्म क्यों बोल रहा है, देखो ये कह रहा है कि जो इसमें जो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है, इसके अंदर जो है कुछ मतलब 15-20 बच्चे हैं, यानी कि लड़के हैं वो सभी, और सभी जो है टीनेजर हैं। वो किसी आइलैंड पे पहुंच जाते हैं किसी वजह से, मतलब कोई उनका प्लेन वगैरह जो उनका शिप है वो क्रैश हो जाता है, तो वो एक आइलैंड पे फंस जाते हैं किस्म से। इसके अंदर क्या दिखाया गया है गाइस की जो ह्यूमन नेचर है, वैसे तो ये बोला गया है कि बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं, इनोसेंस होती है उनके अंदर, लेकिन यहाँ पे ये दिखाया गया है, ह्यूमन नेचर दिखाया गया है कि इवन बच्चों में भी अगर जो है एडवर्सिटी हो, एडवर्स टाइम आ जाए, बुरा टाइम आ जाए, सर्वाइव का जो है क्राइसिस आ जाए, तो इवन बच्चों में भी वायलेंस होती है, बच्चे भी करप्ट होते हैं। वो सिर्फ वही ये नहीं कि भाई बड़े ही बड़े करप्ट होते हैं या वायलेंट होते हैं, बच्चे भी उतने ही करप्ट होते हैं जब सर्वाइवल पे बात आती है। तो इसी तरह का इसीलिए जो है ये पैसिमिज्म बोला है, ह्यूमन नेचर का जो विजन है उसका पैसिमिस्टिक जो है फॉर्म दिखाई गई है, पैसिमिस्टिक जो है उसका एस्पेक्ट इसके अंदर शो किया गया है। तो आप लोगों का बिल्कुल ठीक है ये आंसर। इन विच नॉल जेम्स जोइस यूज स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक, इनके अंदर जो है स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस की टेक्निक यूज की है जेम्स जोइस ने, तो वो कौन से वक्त में यूज किया है, डब्लिनियर, स्टीफन हीरो, यूलिसिस और फिंगेंस वेक, तो वो कौन सा वर्क है जिसके अंदर स्टीम ऑफ कॉन्सियसनेस को यूज किया गया है। तो नीरज का आया 13 का ए, सरोज ने सी बोला है, पूनम शर्मा का सी है, नवीता ने सी, अंजू का सी, सरोज ने नाम ही लिखा यूलिसिस, मंजू का सी है। तो ठीक है गाइज आप लोगों का, इसमें एक वन डे का जो है यूलिसिस के अंदर जो है आपका जो स्टीफन डेडुल्स है वो एक हीरो है, और उसका जो है और लियोपोल्ड ब्लूम है, इस तरह के कैरेक्टर हैं इसके अंदर, और उनका जो है लियोपोल्ड जो ब्लूम है उसका जो है वन डे का जो है कि ये कहें कि दिनचर्या उसकी डे रूटीन दिखाया है कि वो सारा दिन है, मतलब एक दिन का रूटीन है इसके अंदर। तो बिल्कुल ठीक है आप लोगों का ये आंसर। और इसके अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस को यूज किया है, होमर का जो ओडिपस है उसका ही एक किस्म से न्यू वर्जन है, मॉडर्न वर्जन है ये। हाँ वन डे वंडर कह सकते हो या रूटीन कह सकते हो, वंडर जैसी तो खैर कोई बात नहीं थी कविता, लेकिन कह सकते हो आप इसको, लेकिन ये है कि वन डे का रूटीन है कि सुबह से लेके और शाम तक वो क्या क्या करता है, किस तरह का है, तो वो जो है इसके अंदर स्टोरी है। और स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस में देखा जाए तो कोई स्टोरी होती ही नहीं है, वो जैसे राइटर के अंदर थॉट आ रहे हैं वैसे ही वो लिखे जा रहा है। तो 14th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, यस यस दिनेश, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल ऑफ जेम्स जोइस, इसमें जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है जो जेम्स जोइस का। हाँ बिल्कुल ठीक बोला आपने, वो भी जो उसी से इंस्पायर्ड है, टेनिसन की जो यूलिसिस नाम से जो उन्होंने पोइम लिखी है वो भी होमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखी है, और ये भी जो है होमर की जो वर्क है उनका उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से उनका मॉडर्न वर्जन है, ये नॉवल है वो पोइम है। अब जस्ट ज्योति ने 14 का बी आंसर दिया है, पूनम शर्मा का ए है, नवेता का बी है, और नीरज का जो है बी है, तो ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बोला है जेम्स जोइस ने, मंजू का जो है बी है। डिफरेंस पूछ रहे हैं प्ले के अंदर, नॉवल के अंदर और ड्रामा के अंदर। गाइस ड्रामा क्या होता है, ड्रामा वो होता है जो परफॉर्म किया जाता है, नॉवल जो है वो एक फिक्शन फॉर्म में होता है,
और प्ले जो है वो गाइस जैसे नोवल जो होता है वो फिक्शन होता है नॉर्मली, यानी फिक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर इमेजिनेशन होती है, रियलिटी कम होती है, एक राइटर की अपनी सोच होती है, किसी जो है रियल स्टोरी पे नहीं होता है। ड्रामा जो है वो रियल पे भी हो सकता है, रियल पे होता है, जैसे आपने शेक्सपियर के ड्रामा देखे होंगे, आपने जो है जो हेनरी फोर्थ है, हेनरी फिफ्थ के नाम से उन्होंने ड्रामा प्ले लिखे हैं। तो ड्रामा में और नॉवल में ये डिफरेंस है कि नॉवल जो है फिक्शनल होता है और ड्रामा जो है परफॉर्म किया जाता है, यानी उसको प्ले परफॉर्म किया जाता है। और प्ले क्या है आपका, वो मोस्टली टाइम जो है वो नॉन फिक्शनल होता है, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है जो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं या कहीं ना कहीं कोई रियल स्टोरी होती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, ये प्ले होता है। तो आपका जो है अब अच्छा 14th क्वेश्चन है, तो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, बाकी आप लोगों के आंसर आ चुके हैं, तो बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। बी आंसर है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये जो है इनका है। इसमें इन्होंने जो है नोवेला एक छोटी टाइप होती है गाइस, नॉवल और नोवेला में ये होता है, नॉवल तो एक बड़े लेवल पे होता है, नोवेला होता है कि आप शॉर्ट स्टोरी टाइप जो होता है, या शॉर्ट स्टोरी तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट स्टोरीज एक अलग चीज होती है, लेकिन नोवेला होता जो छोटा रूप होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, ये जो है ये इसका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। और जेम्स जॉयस भी एक टाइप के जो है राइटर ही थे, सेमी देखो सेमी कह सकते हो आप, या क्योंकि ये तो एग्जामिनर के ऊपर या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है गाइज कि ये ऑटोबायोग्राफिकल है या जो है सेमी है। और नॉर्मली आदमी जो है जिसमें अपना रेफरेंस डालता है, इसमें जो है जेम्स जॉयस ने जो है वो एक यहाँ पे आर्टिस्ट बोला है, तो वो एक कैसे राइटर बनते हैं उसके बारे में ही यहाँ पे जर्नी शो की है। और जेम्स जॉयस खुद एक राइटर थे, तो ऑटोबायोग्राफिकल कह लीजिए या सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कह लीजिए, क्योंकि वो अपना रेफरेंस खुद तो बताते नहीं कि मेरी स्टोरी है, वो बाद में पढ़ के ही अंदाजा लगता है या क्रिटिक्स बताते हैं ये बात, तो सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कह सकते हो आप इसको। बाकी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल और ऑटोबायोग्राफिकल लगभग एक ही चीज है, इतना बड़ा गैप नहीं है इनके अंदर। आगे द कैरेक्टर स्टीफन डेडुल्स वॉज मॉडल्ड ऑन, तो शायद ये पहले भी बात हो चुकी है, अभी मैंने पहले ही जिक्र किया था इसका। स्टीफन डेडुल्स वॉज मॉडल्ड ऑन, नहीं नहीं ये जो स्टीफन डेडुल्स जो है गाइस, ये जो है ये कैरेक्टर है, और ये जो है किसने मॉडल किया है, यानी किसने बनाया है किस्म से, ये है जेम्स जॉयस और एल्डस लियोनार्ड हक्सले, एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर, विलियम सोमरेस्ट मोगम, तो ये है गाइस। और एक बात ये है, जो स्टीफन हीरो है ये नाम, पहले ये नाम रखा था स्टीफन हीरो, बाद में उसको जो है यूलिसिस नाम रखा था, यानी एक ही वर्क है, बाद में उसको जो है मतलब तुरंत तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ सालों के बाद वो दोबारा से आता है, रिपब्लिश किया जाता है या कैसे, तो बाद में उसी वर्क का नाम जो है स्टीफन हीरो का ही यूलिसिस रखा था। तो स्टीफन डेडुल्स जो है ये बताना, वैसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो ये आपको इजीली पता होगा। तो 15th का जो है बाकी आ गए हैं आप लोगों के, ज्योति ने ए दिया है, सरोज का भी ये है, नीरज का, अंजू का, और जो है सुमन का, सभी का आंसर जो है ए है। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया क्योंकि 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। और एक ये भी है, इन्होंने जो है ये कैरेक्टर बड़ा यूज किया है, डबल नियर में इसको यूज किया है, और स्टीफन हीरो के नाम से तो है ही वो, फिर आपका यूलिसिस के अंदर यूज किया है, तो मतलब एक किस्म से ये कह सकते हो बड़ा फेवरेट जो है ये कैरेक्टर यूज किया है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए सिंपल टेल इज द सब टाइटल ऑफ ए डिटेक्टिव वर्क बाय जोसेफ कॉनराड, तो उसका नाम बताना है आपको कि सिंपल टेल जो है डिटेक्टिव वर्क है जोसेफ कॉनराड का, तो उसका जो है आपको सब टाइटल बताना, सब टाइटल क्या है। नोस्ट्रोमो द मिरर ऑफ द सी, द सीक्रेट एजेंट, द सेट ऑफ सिक्स, तो जोसेफ कॉनराड का जो है वर्क है सिंपल टेल, ये किसका सब टाइटल है, एक डिटेक्टिव वर्क है उसका सब टाइटल बताना आपको। तो ज्योति ने 16 का जो है डी दिया है, सेट ऑफ सिक्स, नवेता ने ए बोला है, और कविता का जो है सी है। तो गाइस आपको जो है ये सिंपल टेल इज द सब टाइटल, ये कोई मेन वर्क है, डिटेक्टिव वर्क है, उसमें जो है सब टाइटल है ये, तो किसका जो है सब टाइटल है ये बताना आपको। ओके, ज्योति ने जो है 16 का सी दिया है, प्रशांत 15 पे हैं, प्रशांत आप पीछे चल रहे हो।
चलिए बाकियों के आंसर नहीं आए, तो सीक्रेट एजेंट है गाइस, सी है इसका आंसर। तो द सीक्रेट एजेंट ये जो है ये वर्क है जोसेफ कॉनराड का, इसका सबटाइटल है द ए सिंपल टेल। द प्ले जस्टिस इज अ स्टायर ऑन, ये प्ले है जस्टिस। 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, प्ले है जस्टिस, ये जो है किसके ऊपर स्टायर किया गया है। द सिस्टम ऑफ पेइंग ऑफ वेजेस, सिस्टम ऑफ सोशल कस्टम्स, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल। तो जो है वैसे इसके नाम से इसका अंदाजा लग जाएगा इस क्वेश्चन का। तो नवेता का, सुमन का डी है, सरोज ने इसको सी बोला है, कविता का जो है डी है, ज्योति का डी है। तो गाइस ये जो है सिस्टम ऑफ लीगल ट्रायल के ऊपर है, यानी डी है इसका आंसर। और ये जो है किसने लिखा ये भी बता दीजिए, अगर आप लोगों को पता है जस्टिस जो वर्क है ये किसने लिखा है तो ये भी बताइए, इसके राइटर का क्या नाम है। तब तक मैं 18 क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, थिएटर ऑफ एब्सर्ड जो है 1961 के अंदर आया है। वेरी गुड नवेता, ग्लोसवर्दी ने लिखा, बिल्कुल। जे बिशप ने नहीं लिखा ज्योति, ग्लोसवर्दी ने लिखा, बिल्कुल ठीक है, जॉन ग्लोसवर्दी ने, बिल्कुल ठीक आपका। तो ये जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड नाम से प्ले आया था और इसी के अंदर जो है इस टर्म को क्वाइंड किया था वो कौन है। तो 18 का एल्बर्ट कैमू है, मार्टिन एसलिन, आर्थर एडमो और जीन गैनेट। तो इनमें से कौन है जिन्होंने जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड, देखो ये प्ले लिखा था इन्होंने और फिर जो है ये टर्म आई थी। तो गाइस ये इसका आंसर जो है, बाकी आपके आंसर तो आ गए हैं, ज्योति का 18 का ए है, नवीता का ए, सुमन का ए, सरोज का बी, राज का जो है वो जे भी शाह बोल रहे हैं, अंजू का जो है 18 का ए है। हाँ यही, इसी की तो बात करेंगे गाइस, अब अभी ये क्वेश्चन हुआ ही नहीं है। तो मार्टिन एसलिन है गाइस इसका आंसर, बी है, इन्होंने ही इस टर्म को पॉइंट किया था और जो है थिएटर ऑफ एब्सर्ड भी इन्होंने लिखा, इसी वर्क के अंदर इन्होंने ही इस टर्म को दिया है, यानी कॉइन भी इसी ने ही किया है। हाँ मैंने भी तो ये बोला, तो मार्टिन एसलिन है इसका बी आंसर रहेगा, इसी इसने ही जो है इस टर्म को कॉइन किया है। विच वन इज नॉट अ नॉवल बाय ई एम फोस्टर, इसमें जो है कौन सा वर्क जो है ई एम फोस्टर का नहीं है, ई एम फोस्टर का जो वर्क नहीं है वो बताना आपको। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड ए रूम विद अ व्यू, हावर्ड्स एंड जैकोब्स रूम। कोई बात नहीं, आपको टाइपिंग ज्यादा आती है, अच्छे से फटाफट कर जाते हो, फिर जो सोचते हो दिमाग में मेरे ख्याल से वैसे ही हो जाता है, फिर हमारे जैसे वो जूझना पड़ता है टाइपिंग करने के लिए। सुमन का जो है 19 का डी है, नवेता का डी है और सरोज का जो है डी है। तो ई एम फोस्टर का इसमें से जो वर्क नहीं है वो 19 का डी है, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का आंसर। अब मुझे ये बताना है ये है किसका, फिर अगर जो है ई एम फोस्टर का नहीं है, ये सारे वर्क तो ई एम फोस्टर के हैं, जैकोब्स रूम नहीं है, तो ये है किसका फिर। बिल्कुल स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस हो जाती है, सोचते हो वही टाइप हो जाता है। तो बताइए जैकोब्स रूम जो है किसका वर्क फिर ये, तो फटाफट से बताइए जैकोब्स रूम जो है किसका वर्क है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। बिल्कुल ठीक लिखा ज्योति ने, वर्जीनिया वुल्फ का है ये जैकोब्स रूम। और गाइस यही वो वर्क था, जैसे अगर हम वर्जीनिया वुल्फ की बात करें यहाँ पे, इस क्योंकि ये वर्क आया इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ इसके बारे में।
पहले जो है वर्जीनिया वुल्फ भी जो है कन्वेंशनल वर्क ही लिखती थी, उनके नॉवल उनकी राइटिंग जो है कन्वेंशनल ही थी। कन्वेंशनल का मतलब यह है कि जो 19 सेंचुरी के अंदर विक्टोरियन टाइम पीरियड के अंदर लिखा जा रहा था वही लिख रही थी ये भी, यानी वही एक्सटर्नल जो पॉइंट्स होते हैं उन्हीं पे काम कर रही थी। लेकिन जेकोब्स रूम के थ्रू ही, यानी इनसे पहले इनके दो वर्क आ चुके थे और वो वेस आउट और एक और वर्क, यानी दो वर्क आ चुके थे, वो दोनों ही कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हैं। कन्वेंशनल का मतलब है कि जैसे विक्टोरियन ईरा के अंदर लिखे जा रहे थे ठीक वैसे ही एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है। लेकिन इस जेकोब्स रूम में आके वो जो है अपना ट्रेंड चेंज करती हैं और वो जो है कन्वेंशनल से एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ जाती हैं। आप इसको ये कह सकते हो एक्सटर्नल से इंटरनल जो मोनोलॉग होता है उसकी तरफ, यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ वो बढ़ जाती हैं। तो जेकोब्स रूम एक ऐसा है जो एक इनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद ये अपना राइटिंग स्टाइल ही चेंज कर लेती हैं। और इसमें जो वो जो बॉय है वो उसमें ये अपने ब्रदर को जो है रिप्रेजेंटेशन देती हैं उसके अंदर, यानी अपने, क्योंकि आपको पता है वर्जीनिया वुल्फ की मदर ने भी सुसाइड की थी, उसके ब्रदर ने सुसाइड की थी और बाद में ये भी कर लेती है, यानी आप ये कह सकते हो इनके अंदर जो है सुसाइड की टेंडेंसी थी। तो जैकोब्स रूम में जो इसके और उसका इसको जो है सदमा भी बहुत लगता है। इनकी मदर जब ये 13 की एज में थी तब एक्सपायर हो जाती, इनका ब्रदर हो जाता है, तो ये जो है वो सदमे को सहन नहीं कर पाती और तब ये जो है इस तरह से कि इस वर्क के अंदर अपने ब्रदर को रिप्रेजेंटेशन देती है जो हीरो या लड़का है वो उसको। चलिए नीरज ने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। द प्ले ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज एन एक्स्ट्रावेगेंजा प्ले बाय किसका वर्क है? द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, सिंस, फ्राई, इशरवुड, थॉर्टन, वाइल्डर। तो जो है किसका है ये प्ले, द प्ले बॉय ऑफ द, किसको पूछ रहे हो? जैकोब्स रूम को? नहीं नहीं सरोज, इसको आप कैसे एपिस्टोलरी वो नॉवल कैसे कह सकते हो? इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है, कोई प्ले की फॉर्म में या जो है लेटर की फॉर्म में नहीं है। ये एपिस्टोलरी नॉवल होता तो ये नॉवल की फॉर्म, सॉरी राइट, लेटर की फॉर्म में होता, लेकिन लेटर की फॉर्म में नहीं है, नॉर्मल है ये। लेकिन इन्होंने ये नहीं कि अपने ब्रदर को लिखे, अपने ब्रदर को जो वो हीरो है या जो प्रोटैगनिस्ट है उसने कहीं ना कहीं अपने ब्रदर को माना उससे। सरोज ने आंसर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन का सिंच, दिनेश ने भी 20 का ए दिया है। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, राज का ए है, मंजू का भी यही है, ए ही है। सुमन का जो है 20 का ए है, तो बिल्कुल ठीक है गाइस आप लोगों का। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो एक बार मुझे ये बता दीजिए आपको जब इस वर्क का पता है। तो इसके अंदर गाइस क्या है, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न है। एक्स्ट्रावेगेंसा का मतलब ये है गाइस कि भाई एक्स्ट्रावेगेंट सुना होगा आपने, एक्स्ट्रावेगेंट और एक्स्ट्रावेगेंजा उसी से बना। एक्स्ट्रावेगेंट वैसे तो फिजूल खर्च करने वाले को बोलते हैं, यानी फिजूल खर्ची का यहाँ पे मतलब क्या है, एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब यह है, एक्स्ट्रावेगेंजा का हमें मतलब ये है कि किसी चीज को एक्सेसिव में यूज किया है। आपने अगर ये स्टोरी पूछी है वही मैं इसको पूछने वाली थी। द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न, ये जो है, ये जो राइटर का नाम भी आपको पता है तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो है राइटर कौन से जो है मतलब कि कंट्री से थे, उससे आपको इसकी समझ में आ जाएगी कि किस तरह का थीम था इसके अंदर और जिसको पता होगा यहाँ पे वो किस टाइप का प्ले बॉय बनाया है उसको, तो तब ये एक्स्ट्रावेगेंजा भी समझ में आ जाएगा। तो एक्स्ट्रावेगेंजा का मतलब है कि फालतू की बात की गई है, मतलब कि एक्स्ट्रा जो में एक्सेसिव वे में उसको यूज किया गया है, यानी यहाँ पे प्ले बॉय जो है उसको एक करेज का, बहादुरी का सिंबल मानते हैं। और अगर आपने प्ले पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप की बहादुरी है वो, मतलब हीरो भी बना रहे हो तो किस बात पे बना रहे हो, पढ़ा नहीं किसी ने भी द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न? डबलिन, हाँ डबलिन में है, डबलिन तो जगह का नाम है सरोज, कंट्री का नाम पूछा मैंने, डबलिन तो उस शहर का नाम है, कंट्री का नाम पूछा मैंने। आयरिश राइटर थी गाइस ये, इस इंच जो है आयरिश राइटर है और जो है प्ले बॉय वहां पे ये है कि ट्रेडिशन,
इतना खराब ट्रेडिशन है, तो तभी जो है जो प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न है इसके अंदर जो है उसको हीरो बनाया गया है, यानी प्ले बॉय जो है हीरो के लिए यूज किया है यहाँ पे, कि भाई वो बिल्कुल आयरिश है, आयरलैंड के थे, बिल्कुल ठीक है ये आप लोगों की बात। तो इसके अंदर जो हीरो है वो जो है वो अपने वो ऐसे बताता है झूठ मूठ में कि मतलब ये झूठ फैलाता है कि उसने अपने फादर को मार दिया है। देखो फादर को मार दिया उसने, तो इसी बात से वो क्या कहते हैं कि भाई ये हीरो हो गया, इतना करेजियस काम किया है। तो एक्स्ट्रावेगेंजा ये है यहाँ पे कि भाई आप उसको जो है मतलब कि गलत ठहराने के बजाय, उसको जो है कोई पनिशमेंट देने के बजाय आप उसको हीरो बना देते, और बाद में पता चलता है कि उसका फादर जिंदा है, तो फिर वो जो है हीरो के मतलब कि डिसक्वालिटी में आ जाता है, हीरो जो उसको हीरो वर्शिप की गई थी उससे उसको डाउन करते हैं। तो इस टाइप की स्टोरी है इसकी। 21 पे आ जाती है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज अ सोनेट बाय, ये जो सोनेट किसने लिखा है, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी इज अ सोनेट बाय, तो ये किसने लिखा है गाइस? हाँ बिल्कुल सरोज, ये वही प्ले है जिसमें वो अपने फादर को मार देता है और वो भाग जाता है, और जहां पे वो जाता है वो वहां पे मारता नहीं है एक्चुअल में, वो मारने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है, फिर वहां जिस गांव में जाता है वहां पे तो सबको बताता है कि मैंने अपने फादर को मार दिया, तो वो हीरो बन जाता है वहां का। नहीं ब्रेजन तो क्या बोलेंगे। नीरज ने 21 का ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, और जो है नीरज ने 21 का जो है क्या दिया है, बी, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, मंजू ने जो है 21 का बी, ज्योति का भी बी है। चलिए रूपर्ट ब्रूक दिनेश का भी 20 सी दिया है, 20 का सी दिया है, तो दिनेश हम 21 पे हैं, तो रूपर्ट ब्रूक जो है इनका आंसर है। गाइस ये जो है वॉर पॉइंट है, और सभी नॉर्मली जो वॉर पॉइंट है वो क्रिटिसाइज करते हैं वॉर को, लेकिन रूपर्ट ब्रूक जो है उन्होंने एक सोल्जर पोइम लिखी है और उसके अंदर जो है मतलब वो वॉर को सही ठहराते हैं, उसका उसको ग्लोरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि मैं कहीं मर जाऊं तो उस जगह को भी इंग्लैंड की समझना या मेरी समझना, तो इस टाइप का है ये वर्क, और ये सोल्जर इनकी पोइम है उसमें से लिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज नोन एज ए प्रोज पोइम, इसमें से वो कौन सी है जो इनकी प्रोज जो है पोइम है, वो कौन सी जो है वर्क है जो प्रोज पोइम है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉवल्स ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज नोन एज प्रोज पोइम, द वॉयस आउट, नाइट एंड डे, मिसिस डॉलवे, द वेव्स। नीरज ने 22 का सी दिया है, इतनी जल्दी आंसर दिया नीरज आपने, जैसे मिसिस डॉलवे को पढ़ा है आपने बिल्कुल अच्छे से। ज्योति का 22 का सी है, क्वेश्चन ये है कि प्रोज पोइम है वो। नवेता ने 22 का सी दिया है, चलिए गाइस, तो ये प्रोज पोइम जो है द वेव्स है गाइस, मिसिस डोलवे नहीं है, वेव्स है, ये जो है वर्स ड्रामा में लिखे हैं, और जो है आपका जो मिसिस डोलवे है ये आपका वो भी स्ट्रीम, अब जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था दो उनके वर्क थे, एक तो था वॉयस आउट और नाइट एंड डे, ये दो वर्क थे जो इन्होंने कन्वेंशनल स्टाइल में लिखे हैं, यानी विक्टोरियन स्टाइल में लिखे हैं। फिर उसके बाद जैकोब्स रूम आता है जिसमें ये अपना स्टाइल चेंज कर देती हैं, और जो है टू द लाइट हाउस, मिसिस डोलवे, और आपका जो है जैकोब्स रूम से तो वो स्टार्ट करती है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस को यूज करती हैं, और ये वर्स ड्रामा है गाइस दोनों, और ये जो है वेव्स जो है प्रोज पोइम है। Who expressed a nostalgic regret of the disappeared culture? इसमें वो कौन से हैं जिनको मतलब disappeared culture हो गया उसके ऊपर ये मतलब उसको याद करके regret करती हैं, तो वो जो है कौन है writer इसमें? Eliot, Masefield, Huxley और Edith Sitwell।
तो 23 का आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ज्योति का 23 का ए आया है। मतलब कि उस टाइम पे जो कल्चर है वो डिसअपीयर हो गया, तो उसके ऊपर वो नॉस्टैल्जिक वे में मतलब उसको याद करके रिग्रेट कर रही है वो। सभी का आंसर जो है ए और बी ये चल रहा है। तो गाइस ये जो है ये आंसर है एडिथ सिटवेल, ये इनका डी आंसर है गाइस। एडिथ सिटवेल वो थे मतलब कि ये लेडी हैं, और जो है इनका ऐसा वर्क है जिसमें ये मतलब इनका नेचर क्या है, एक तो ये अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट थी, इनको इनके पेरेंट्स इनको ये कह सकते हो अनलव्ड पेरेंट्स मिले थे, मतलब इसको इनको ऐसा लगता था। तो हक्सले तो जो है साइंस के ऊपर लिखा है गाइस ने दिनेश इन्होंने, तो ये तो वैसे ही क्लियर है। मैक्सफील्ड जो है आपके वॉर पोइट हैं, तो एडिथ सिटवेल है जिनके वर्क है स्टील फॉल्स, जैसे कुछ पोइम है इनकी स्टील फॉल्स द रेन, तो इनमें जो है ये अपने पुराना जो कल्चर है उसको याद करती हैं और उनके ऊपर थोड़ा सा रिग्रेट है। सॉन्ग्स ऑफ कोल्ड ये इस टाइप के वर्क आए थे, तो ये जो है इनके पोइम थी जिनमें इन्होंने इस तरह का शो किया है। तो दिनेश ने डी आंसर दिया है। चलिए ओके, तो आप ये चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बोलूं। गाइस ऐसा है कि हमारी जो है जो क्लास है वो पीजीटी इंग्लिश के लिए है, और आप मेरी जो है नेट की क्लास में आइए, वहां पे मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी। तो मोस्ट वेलकम है, आप वहां पे आइए, क्योंकि जो मेरी जिस हिसाब से क्लास चल रही है ये क्लास हमारी जो है कोई नेट की क्लास नहीं है, ये हमारी पीजीटी इंग्लिश की जो है क्लास है और टीचर लेवल पे है। तो जब मैंने जो है इन स्टूडेंट का एडमिशन ही हिंदी मीडियम में लिया है तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूं यहाँ। तो आप मेरे जो है नेट के बैच में आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। 24 पे है द पोलिस मैरिनर हु प्रेजेंटेड कॉलोनियलिज्म एज बोथ ब्रूटल एंड ब्रूटलाइजिंग इन इन मैनी ऑफ हिज स्टोरीज एंड नॉवल्स वॉज। और आप मेरी ये बात समझ गए। आपने कहा आई कांट अंडरस्टैंड और आप ये समझ गए। द पोलिश मैरिनर हु प्रेजेंटेड कॉलोनियलिज्म एज बोथ ब्रूटल एंड ब्रूटलाइजिंग इन हिज स्टोरीज एंड नॉवल्स वॉज। ये भी खुद हिंदी मीडियम से ही है नीरज जो बोल रहे हैं, ये खुद भी हिंदी से ही हैं, चिंता मत कीजिए, ये कहीं नहीं है इंग्लिश मीडियम के, लेकिन ये भी हिंदी से ही हैं। और अगर इनको इंग्लिश में पढ़ना है तो देखो मैंने बोला इनको एक सलीके से जवाब दिया है कि आप मेरी क्लास के नेट वाले बैच में आइए, उसके लिए आपको ऐप ज्वाइन करना पड़ेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा, तो वो कंप्लीट इंग्लिश में मिल जाएगा आपको। द पोलिश मैरिनर हु प्रेजेंटेड कॉलोनियलिज्म एज बोथ ब्रूटल एंड ब्रूटलाइजिंग, तो इसमें जो है जो ब्रूटल और ब्रूटलाइजिंग का जो स्टोरीज वगैरह है नॉवल्स वगैरह हैं अपने स्टोरीज में और नॉवल्स में उनका जो ब्रूटलिटी शो की है वो कौन है। तो ये जो है जोसेफ कॉनराड है, बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। 25th है, इन विच ऑफ हिज नॉवल्स एल्डस हक्सले इमेजिन्स अ वर्ल्ड विदाउट डिजीज विदाउट पेन विदाउट इमोशन विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ। तो वो जो है हक्सले का कौन सा वर्क है, जो जो है वो कौन सा नॉवल है
जिसके अंदर वो बताते हैं कि ऐसा वर्ल्ड होगा जिसके अंदर ना कोई डिजीज होगी, ना कोई इमोशंस होंगे, ना कोई जो है उनकी कोई स्पिरिचुअल लाइफ होगी, विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ होंगे वो, तो वो कौन सा होगा? तो बिल्कुल ठीक बोला आप, ब्रेव, ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ये, ई है यहाँ पे, ब्रेव न्यू वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है। अब जो है 26 पे आ जाते हैं, डी एच लॉरेंस वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, डी एच लॉरेंस वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो डी एच लॉरेंस जो है किससे जो है इन्फ्लुएंस्ड थे? 26 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, फ्रूड है, मार्क्स है, डार्विन, एरिस्टोटल, तो वो जो है 26 क्वेश्चन को हैंडल करना आप लोगों को। सरोज का जो क्वेश्चन है कविता ने दिया सबसे पहले, 26 का ए, राज का ए है, और सरोज का जो है फ्रूड लिखा उन्होंने, दिनेश ने बी लिखा है, नवेता का जो है ए है। ओके दिनेश, 24 का आंसर दे रहे हो आप, राज का भी ए है, तो सबको क्लियर है ये आंसर, क्या बात दिनेश, आप पीछे चल रहे हो। तो फ्रूड जो है इसका आंसर है, सिगमंड फ्रूड ये इसका आंसर है, और डी एच लॉरेंस ने जो है जिस तरह से इनका सन्स एंड मदर है जो वर्क है, सन्स एंड लवर है, तो उसके अंदर देखिए उन्होंने जो है सिगमंड फ्रूड की जो थ्योरी है उसको यूज किया है। 27 है, डी एच लॉरेंस वॉज अ पॉइनर ऑफ, डी एच लॉरेंस वॉज अ पॉइनर ऑफ, तो डी एच लॉरेंस जो है वो जो है मतलब उन्होंने क्या टेक्निक यूज की है, किस तरह का उनका वर्क है, बिल्कुल इडिपस कॉम्प्लेक्स को यूज किया उसके अंदर, सरोज ने ठीक बोला। स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नॉवल, साइको एनालिटिकल फिक्शन, रियलिस्टिक फिक्शन, इमेजिज्म इन फिक्शन, तो इनका जो है डी एच लॉरेंस किस चीज के लिए जाने जाते हैं, किस्म से ये है, तो इनकी क्या टेक्निक्स है, कैसे इन्होंने इसको यूज किया है, तो उसके बारे में है ये। तो 27 का कविता का बी, नवेता का भी बी है, सरोज का बी, और ज्योति का भी बी है, नीरज का बी, सुमन का 27 का बी, राज का जो है बी है। ठीक है, साइको एनालिटिकल फिक्शन है, बिल्कुल है। आप सन्स एंड लवर्स की बात कीजिए तो जैसे ऊपर भी आया था कि सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी को इसने यूज किया है, तो बिल्कुल ठीक आप लोगों का। अब जो है पाउल मोरेल इज ए कैरेक्टर फ्रॉम द नॉवल, किस नॉवल से है? कैंगरू, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, वीमेन इन लव, तो कौन सा जो वर्क है उसमें से है ये? तो जो है कविता का 28 का बी, राज का भी बी है, और दिनेश ने जो है 27 का ही दे रहे हो दिनेश आप, शीतल का बी है, सरोज ने सन्स एंड लवर्स बोला, नीरज का 28 का बी है, तो बिल्कुल ठीक है। पाउल मोरेल जो है सन्स एंड लवर में से हैं, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का ये आंसर। अब 29 पे आ जाते हैं गाइस, वन ऑफ शोज प्लेस डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ फोनेटिक्स एंड प्रोनाउंसिएशन, कौन सा वर्क है जिसके अंदर जो है जेबी शो का है वो वर्क जिसके अंदर जो है वो फोनेटिक्स और प्रोनाउंसिएशन की जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करते हैं, तो वो कौन सा है? 29 का पिग्मेलियन बोला है सरोज ने, नवेता ने भी ए ही बोला है, ठीक है, ज्योति का भी ए है, तो पिग्मेलियन ही है, दिनेश ने भी 29 का ए, तो सभी का जो है 29 का ए ही है, नीरज का भी ए है, तो बिल्कुल राइट है आपका आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा नवेता आपने। 30 पे आ जाते हैं, इन विच प्ले डज शो प्रोपाउंड हिज फिलोसफी ऑफ लाइफ फोर्स, वो कौन सा वर्क है जिसके अंदर जो है शो अपनी जो फिलोसफी है लाइफ फोर्स की वो दिखाते हैं? तो द डेविल्स डिसिपल, मेजर बारबरा, कैसियर एंड क्लियोपेट्रा, मैन एंड सुपरमैन, तो वो कौन सा वर्क है जिसमें लाइफ फोर्स की थ्योरी को शो किया गया है? तो 30 का जो है कविता का, नवेता का आंसर जो है डी आ गया है।
तो बिल्कुल ठीक है गाइस, आप लोगों का आंसर मैन एंड सुपरमैन। नीरज ने भी 30 का जो है डी ही दिया है, बिल्कुल है। इन विच प्ले डू वी कम अक्रॉस ए चॉकलेट क्रीम सोल्जर, वो कौन सा प्ले है जिसके अंदर जो है चॉकलेट क्रीम सोल्जर का कैरेक्टर आया है? तो मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन ऑफ डेस्टिनी, और जो है कैशियर एंड क्लियोपेट्रा। तो कौन सा वर्क है जिसके अंदर जो है चॉकलेट क्रीम सोल्जर का रेफरेंस आया है? तो नवेता ने आंसर दिया है आर्म्स एंड मैन, वेरी गुड। और ज्योति का भी बी है, तो ये ठीक है बिल्कुल आपका। तो आर्म्स एंड मैन है, ये है बिल्कुल ठीक है। विच प्रॉब्लम प्ले ऑफ जे बी शो अबाउंड्स इन ह्यूमर एंड डील्स विद सब्जेक्ट ऑफ मैरिज एंड इट्स लिमिटेशन, वो कौन सा वर्क है जे बी शो का जिसके अंदर वो जो है ऐसा सब्जेक्ट उठाते हैं मैरिज का और उसकी लिमिटेशन का, तो वो बताना आपको। नहीं, मैरिज से रिलेटेड है मैरिज, इसके आर्म्स एंड मैन के अंदर तो गाइस वॉर से रिलेटेड है वो, तभी तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर है। तो ठीक है आप लोगों का आंसर। नवेता 32 का सी बोल रहे हैं, ज्योति का भी सी है, राज का जो है 31 पे हैं, सुमन का जो है 32 का बी है। तो फिलेंडर है ये, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का। तो आज की क्लास में यही क्वेश्चन थे गाइस 32 के, आई होप कि आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा इन क्वेश्चन से, आपका जो है मॉडर्निज्म जो है वो रिवाइज हो गया होगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और सैटरडे को जैसे हमारी मेरी क्लास होती है, बीच में रेगुलर सर की क्लास है वो आपको पता ही है, सैटरडे को मेरी हरियाणा जी की होगी और मंडे को मैं जो है अमेरिकन लिटरेचर के क्वेश्चन लेके आऊँगी। थैंक यू कविता, यू ऑल्सो थैंक यू एवरीबडी। और तो आई थिंक कि मुझे अब क्लास को ऑफ कर देना चाहिए। कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो बात कर सकते हो, अदरवाइज मैं क्लास को ऑफ कर रही हूँ। दिन इसके बाद पीछे चल रहे हो, मैंने उसके अंदर भी जो है नवेता कंटेम्प्रेरी के, मैंने इसमें शायद आप क्लास के स्टार्टिंग में नहीं थी तो मैंने इसके अंदर ही कंटेम्प्रेरी को डाल दिया है, इसी के अंदर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है इस क्लास में कि मैंने कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न दोनों के राइटर्स को इसमें डाला है। और नहीं, कंप्लीट अमेरिकन तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। थैंक यू दिनेश, हम कुछ पोर्शन को लेंगे या तो लेंगे, जैसे रेनेसा ले लेंगे, हम रेनेसा के जो राइटर्स हैं उनको ले लेंगे, नेचुरलिज्म को ले लेंगे, तो कुछ पोर्शन को लेंगे या पोइट्री को लेंगे, बाकी अभी मैंने देखा नहीं है कि वो कितना बनेगा। थैंक यू सरोज, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू। तो हम जैसे मैंने कहा रेनेसा पीरियड को ले लीजिए एक, तो नेचुरलिज्म को ले लीजिए, इस टाइम के कुछ जो है ले लीजिए, मतलब पूरा तो बहुत लंबा हो जाएगा एक ही क्लास के अंदर, कम से कम दो क्लास बनेंगी उसकी। और मैं मंडे मतलब कल ट्यूसडे से जो है ऐप पे भी जो है अमेरिकन को ही स्टार्ट कर रही हूँ। नीरज कल सर की क्लास होगी, तो मेरे ख्याल से या तो करंट की क्लास होगी, सर को ही पता होगा, या जो भी आपकी प्रैक्टिस की क्लास होती है तो वही रहेगी कल की क्लास, मुझे पता नहीं सर की क्या होती है, लेकिन सर लेंगे कल क्लास। तो थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय एंड गुड नाइट।